हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रिएटिव आइडियाज़। आज के जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा यूनिट 9 चैप्टर 18 आनंदीज रेनबो का एक्सरसाइज फ्रॉम बुक एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज वीडियो। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड आनंदी सी आउटसाइड हर विंडो। आनंदी को अपनी खिड़की के बाहर क्या दिखाई दिया। Answer: Anandi saw a huge bright rainbow across a clear blue sky. Anandi ko bahut bada chamakdar indradhanush pure ek saaf aasman mein dikhai diya. Question 2: Was she happy to see the rainbow? Kya wo indradhanush ko dekh ke khush thi? Answer: Yes. Haan, she was quite happy to see the rainbow. Wo rainbow ko dekh ke khush thi. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो का कलर क्या था। आंसर: द कलर्स ऑफ द रेनबो आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेनबो का कलर बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, संतरी और लाल था। बच्चों, मैं आपको रेनबो का कलर कैसे आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक और बिना स्किप किए जरूर देखना। लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैव यू एवर सीन अ रेनबो। क्या आपने कभी रेनबो देखा है। बच्चों, मैंने देखा है, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो आंसर में मैंने इसलिए लिखा है यस आई हैव सीन अ रेनबो। हाँ, मैंने रेनबो देखा है। क्वेश्चन 2, व्हेन डू यू सी अ रेनबो इन द स्काई। आपको रेनबो कब दिखता है आसमान में। बच्चों, रेनबो कब आता है, जब बारिश हो रही हो, है ना, और बारिश बंद हो जाती है पर फिर भी हल्की हल्की बूंदे बारिश की भी गिर रही है और सूरज निकल आए, तभी रेनबो दिखता है हमें। तो इसका मतलब रेनबो हमें कब दिखा, बारिश के बाद। तो वी कैन सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। हम बारिश होने के बाद ही रेनबो को आसमान में देख सकते हैं। लेट शेयर। क्वेश्चन फर्स्ट, गो आउटसाइड एंड लुक एट द क्लाउड्स। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको बाहर जाना है और क्लाउड्स को देखना है। तो ये आप तो खुद ही करेंगे। क्वेश्चन 2 में है कि आपने जिन क्लाउड्स को बाहर देखा उनकी शेप आपको बतानी है। तो जैसे कि मे बी ज़्यादातर मैंने अपने बाहर देखा तो क्लाउड्स हमारे ओवल थे, सर्कुलर शेप के थे, एक्लिप जैसे, एक्लिपल जैसे थे। तो मैंने वो चीज़ें आपको लिख दी हैं, आपके जैसे शेप के हों आप वैसे बताना। क्वेश्चन 3 में है कि आपको क्या करना है, अब आपने जैसे बाहर आपने देखा आपने क्लाउड्स को, अब आपको अंदर आके उनको एक पेपर पर ड्रॉ करना है। तो हर जगह क्लाउड्स हर अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन भी आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अब आप क्या करना है, आपने जो ड्राइंग बनाई है आपको अपने फ्रेंड्स को उन्हें अपनी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश में आपको डिस्क्राइब करना है, तो ये भी आप खुद ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन क्वेश्चन में लिखा है द स्टूडेंट हैज़ डू एज द डायरेक्टेड। जैसे यानी कि आपको वैसे क्वेश्चन में बताया गया आपको वैसे ही करना है। Now let's do में क्या करना है हमको कि look at the picture below। आपको इस picture को देखिए, आपको आपको क्या करना है, circle करना है उन नामों पे and आपको क्या करना है, pictures को देखना है। Like umbrella, आपको umbrella दिख रहा है इस picture में। हाँ जी, तो हमने या तो match कर दिया या तो आपको circle कर दो, तो हमें circle करने को लिखा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे circle कर देते हैं। पडल्स, पोखर का पानी दिख रहा है आपको, कोई पोखर तो हमें दिख ही नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें भी दिख रही हैं। हाउस दिख रहा है, कैट दिख रही है, बोट नहीं दिख रहा, मड, कीचड़ दिख रहा है। हाँ जी, कीचड़ तो भाई दिख रहा है हमको। सन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। रोज बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पॉट नहीं दिख रहा, मैट भी नहीं दिख रहा। तो जो चीजें हमें दिख गई हमने उन चीजों पे सर्कल कर दिया।
अब हम बैठते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना है, इन डॉट्स को ज्वाइन करना है। ए टू जेड आपको ना नंबर्स अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें ज्वाइन करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पिंक पेन से करके दिखा रखा है, आपको क्या करना है, आपको ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन दी गई है उनको ट्रेस करना है। और आपको मन करे तो आप कलर भी भर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ भर के आपको दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि आपके रेनबो के कलर को आपको बहुत जोर जोर से बोलना है। तो रेनबो के कलर मैंने आपको पहले भी बताए थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अब मैंने आपको बताया था, क्या मैं आपको इजी वे बताऊंगी कि आप किस तरीके से नाम को याद रख सकते हैं, है ना। तो आप इतने सारे स्पेलिंग्स याद करके आप सिर्फ एक इस स्पेलिंग को याद करना, विप ग्योर, V-I-B, विप ग्योर, G-Y-O-R, ग्योर, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। तो देखा, इजी हो गया हमारे लिए। हमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, हमें इस तरीके से सीरीज वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सिर्फ एक ही स्पेलिंग याद रख ली, विप ग्योर, V-I-B, विप ग्योर, G-Y-O-R, ग्योर, आप हाफ हाफ करके याद कर लीजिए, V-I-B, विप G-Y-O-R-E, ग्योर। अगर आपने ये वर्ड याद कर लिया तो आपको रेनबो का कलर वैसे ही याद हो जाएगा। ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म विप ग्योर याद करने का। और देखिए इसी तरीके से फिर हमारा रेनबो भी सीरीज वाइज होता है, विप ग्योर के हिसाब से V-I-B-G-Y-O-R। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको S-T-U-V को ट्रेस करना है और लिखना है। फिर आपको क्या करना है, लेट्स मेक अ रिडल। अब इसमें क्या करना है आपको, कि आपको एम एंड हैव का यूज करना है, लाइक I dash white in color, ये बोल रहा है कि मैं वाइट कलर का हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे, M, I am white in color। सेकेंड है I dash two eyes, वो बोल रहा है मेरे पास दो आँखें हैं, पास हैं उसके, तो यहाँ पे क्या आएगा, I have two eyes। I dash four leg and a short tail, मेरे पास चार पैर और एक छोटी सी पूंछ है, उसके पास है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, have। I dash wool on me, मेरे ऊपर बाल हैं, wool हैं, ऊन है, तो उसने क्या बोला, है उसके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, have। उसके बाद उसने क्वेश्चन किया है, dash what dash I, मैं क्या हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, what am I, मैं क्या हूँ। आंसर क्या है इसका, ये कौन है, ये sheep। इसी के साथ हमारे ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है फिनिश, और ये वीडियो भी होती है फिनिश। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।